जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और ये क्लास बहुत ही अच्छी क्लास चलती जा रही है और पर डे आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है बच्चों। वो आज भी नए क्वेश्चंस के साथ लेकर आया हूँ, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है ये, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था कि एक कुत्ता है जो कि 360 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है, यानी कि एक तरफ कुत्ता है और ये बिल्ली है, ठीक है। K4 कुत्ता बना दिया यार, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई बेटा, 60 मीटर की, और वो एक देख रहा है और बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करती है। बिल्ली यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करती है। अब कुत्ता भी उसी क्षण जो है वो कितनी स्पीड से भागेगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसको पकड़ना है भैया, टेंशन है, तो इसलिए उसको स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो बताओ, क्या बताओ, फर्स्ट पार्ट ये है, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। पहला टाइम है कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में, तो देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितने का आया बच्चों जी, डिस्टेंस आया है यानी कि पकड़ लेगा, यानी कि टाइम, फर्स्ट पार्ट के लिए बोल रहा हूं, डिस्टेंस ओवर स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, रिलेटिव डिफरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, स्पीड का डिफरेंस याद रख लेना, मैंने रिलेटिव डिफरेंस बोला है 260, और रिलेटिव डिफरेंस कितना आया बेटा, 25 और 12 मतलब कितना रह गया, बना लो 25 और 12, तेरा रह गया, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम 13 दूनी 26 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, मगर अभी काट नहीं सकते ना मेरे भाई, कैसे काटेंगे, नहीं काटेंगे, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तो कट नहीं सकता है। मैंने इसको गलत काट दिया, पर काट नहीं सकते क्योंकि एक किलोमीटरों में है, एक मीटरों में है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर हमें ये किलोमीटरों में दिया है, अगर 260 को ही हमें किलोमीटरों में बनाना हो तो क्या करेंगे, 260 को हम भाग कर देंगे 1000 से, तो ये भी हमारा किलोमीटरों में बदल जाएगा क्योंकि ये मीटरों में है। तो 260 का 1, 2, 3 यानी कि 0.260/13 260/13, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए जाएगा। अगर यहां पर जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, ठीक है ना, 13 दूनी 26 यानी कि कितना आ गया, 0.02, ठीक है, 0.02 क्या रहेंगे, ये आवर्स रहेंगे, घंटे, ठीक है। अब देखने वाला है कि आंसर क्या होगा, तो आंसर किसमें दिया हुआ है, ये दोनों ही आंसर आ गए, 1.2 मिनट्स, ठीक है, मिनटों में कन्वर्ट करना है, तो घंटों को मिनटों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आ गया, 0.02/60 यानी कि 2/100 × 60, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3000 हो गया ये तो, ठीक है, कहीं पे मिस्टेक लग रही है मुझे, लग रही है 0.02 था, गुणा 60 करना था मुझे लग रहा है, 2/100 ये हो गया, गुणा 60 ये आए, इस 0 से 0 गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, हाँ ठीक है, हमने डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना था, यहां पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने
मिनटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखो फिर से। 2 0.2 था, इसको बटा 100 आ गया और गुणा 60, क्यों? मिनटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 गया, अब 2 से 2, 1 कम 2, 2 पंजे 10, 6/5, जो कि हमारा 1.2 यानी कि मिनट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है जी, टॉपिक क्लियर हुआ तो बताएं। फिर सेकंड पार्ट में इन्होंने ये पूछा था कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, मतलब बिल्ली जो है वो कितने स्थान से पकड़ेगा। तो हमें पता है डिस्टेंस जो है सेकंड पार्ट का, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड उसकी कितनी थी, 0.2, बिल्ली की कितनी थी पहले ये देखो, बिल्ली की स्पीड कितनी है 12, और टाइम आपका आगे 0.2। ठीक है, 0.2, तो 12 ये आगे 2/100, 12 दुनी 24/100, यानी कि कितने डिस्टेंस आ गया बेटा, 200, 2.4। ठीक है, अब ये निकाला है इन्होंने मीटरों में, क्या निकाला है, मीटरों में, और मीटरों को अगर किलोमीटरों में बदलना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए। ठीक है जी, तो 24/ कितना आ गया, 1000। ठीक है, तो कितना हो गया, 1, 2, 3 नहीं मल्टीप्लाई करना था, 24 × 100 तो था ही, गुणा 1000 करना था, जैसे ये था वैसे ये है ना, ये आ गया, अब आ गया 240 मीटर, और वैसे रहेगा किलोमीटरों में, फिर रह गया मीटरों में कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन हमें प्रॉपरली याद होने चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, दो दोस्त हैं और दोनों के बीच का जो घर की दूरी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर की, और अपने घर से, दोनों अपने घर से यानी कि एक अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर मिलने चलते हैं, यानी कि एक यहां से आया और एक यहां से गया। ठीक है, तो दोनों मित्र पहले मित्र के घर कितनी दूरी पर मिलेंगे, क्या है ये क्वेश्चन, फिर से क्लियर करो क्वेश्चन को, क्या कहता है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 मीटर की दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों ने अपने घर से चलना शुरू किया इतनी इतनी स्पीड को, उनकी चाल एक दूसरे से मिलने चलते हैं, तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना, सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड में आ गया, डिस्टेंस कितना हो गया 90, स्पीडें दोनों प्लस हो जाएंगी, स्पीडें क्या दोनों आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी ना, क्योंकि डिस्टेंस को कम कर रही है, सेम में हो तो माइनस होती है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस किए तो कितना हो गया जी, 45 यानी कि 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे, ये ध्यान से रख लीजिए। अब उन्होंने आगे क्या पूछा था, कितनी दूरी पर मिलेंगे, और दूरी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी है जी,
स्पीड कितनी है जी? अब स्पीड दोनों की नहीं देखी जाएगी, स्पीड देखी जाएगी पहले मित्र की, यानी कि दो मित्र हैं तो पहला मित्र यानी कि ए की, ठीक है। ए की स्पीड हुई 20 और टाइम कितना है? दो, यानी कि 40। कितनी है जी? 40। ये देख लीजिए, दो 40 किलोमीटर और दो घंटे बाद मिलेंगे। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? कोई भी अगर दिक्कत आ रही है ना तो उसे कमेंट जरूर करो, ठीक है ना, कमेंट करेंगे तो ही समझ आएगा। क्लियर है जी? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए ध्यान से। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान पी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू स्थान को चलता है, क्योंकि पी स्थान है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू स्थान तक जाता है, और कब चलता है? सुबह के 10 बजे। बोलो समझ आ गया जी? उसी समय एक दूसरा मोटर साइकिल सवार जो वो 40 की स्पीड से क्यू से पी की तरफ चलता है, 40 की स्पीड से क्यू से पी की तरफ कब चलता है जी? उसी समय यानी कि सुबह 10 बजे की बात हो रही है। तो पी और क्यू की बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, सब गिवन है, ठीक है बच्चों। आप ना खुद को कमजोर नहीं समझना है कि मेरे को मैथ नहीं आ सकता, आ सकता है मगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। अब बताओ कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे जी? बहुत ही सिंपल सवाल, जब से मैं सुनाता आ रहा हूं आपको, है ना, यही चीजें सुना रहा हूं। तो टाइम किसके बराबर होता है बेटा? सर डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हो गया? 120। स्पीड यानी कि अब स्पीड में क्या होगा? अब दोनों साइड आ रही है तो क्या होंगी? प्लस ही होंगी, क्योंकि पिछले में प्लस की, तो प्लस करो भैया, 90 होगी। जीरो से जीरो गई, 3 चौके 12, 3 3 9, तो 4/3। इतना समझ आया कि नहीं आया 4/3 तक? सर ये तो आ गया। अब आंसर के ऊपर डिपेंड है जी, तो आंसर तो यहां पर ऐसे दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आंसर का चक्कर नहीं है। आप क्या करो, इसको अभी ये जो हमने निकाला है, ये 4/3 घंटे निकाले, इसको कन्वर्ट कर लो, 1 सही 1/3, ये हो गया ना घंटा, 1 घंटा, ठीक है। 1/3 को गुणा कर दीजिए 60 से, तो कितने हो गए? 20 मिनट भी हो गए। बोलो समझ आया? कई बच्चे बोलते हैं सर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिख देते हो आप, मैं बोलता हूं मैं तो बायलैंगुअल में ही चलता हूं यार, इसलिए कोई इश्यू नहीं आता। तो 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट बंदा चला सुबह 10 बजे, तो 10 बजे चला तो यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, 10 में एक घंटा और डाल दिया तो कितने हो गए? 11:20। 11:20 जो है वो इसका सही हल होगा। बोलो क्लियर हो गया? कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो बच्चों, क्लियर हो रहा है? सभी अपना अपना जो है वो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो स्थान है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ये दो स्थान है और बीच की दूरी कितनी होगी जी? 100 किलोमीटर की। बोलो इतना समझ है जी? अब पहले स्थान से प्रातः 8:30 की, नहीं प्रातः 8:30 की चाल से, ठीक है जी, पहले स्थान से 8 बजे की बात है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, दूसरी स्थान की ओर चले, और उसके 1 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे के बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से चले हैं, एक इधर से एक इधर से, पर डिफरेंस क्या है? 1-1 घंटे का है, ठीक है। तो बताओ कि एक दूसरे से ये किस स्थान पर मिलेंगे और कितने बजे मिलेंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों? डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है? 1 घंटे।
कारण क्या है? कारण ये है प्यारे बच्चों कि जब ये व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, ये व्यक्ति जो सुबह 8 बजे बेचारा चला है, कितने बजे चला है, 8 बजे चला है, तो इसने कुछ दूरी यहां तक तो तय पहले कर ली जब ये चलना था, की नहीं की? तो कितनी देर में की तय ये, कितनी दूरी तय की भैया? 1 घंटे में दूरी तय की, ये हमें पक्का पता है। मैंने भी यही बोल रहा हूं बच्चा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ या ना? मगर ध्यान से देखो यहां पर, ध्यान से, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 ही आ गया, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 30, और इन्होंने भी हमारा जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, इनका, क्योंकि वो 9 बजे चला है ना, 1 घंटे का ही डिफरेंस आ रहा है, तो 1 घंटे में वो कितनी चाल चला, यानी कि कितनी दूरी तय की, 30, तो उसकी लेफ्ट स्पीड कितनी या डिस्टेंस कितना रह गया, 70। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डायग्राम के माध्यम से समझनी चाहिए, और बहुत ही इजिली, मतलब ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपका हो गया है, इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझना है, समझ रहे हो? अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रह गया बच्चा, 70 ये रह गया, 30 की चाल से उधर चल चल रहा, 40 की उधर से चाल चल रहा, तो टाइम किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना है उसका, 70, और टाइम स्पीड कितनी है, 70, क्योंकि ये 30 और 40 70, तो टाइम कितना रह गया, अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है जी, यानी कि 1 घंटे के बाद मिले हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1 घंटा, यानी कि जो 9 बजे था, तो उसका मतलब 1 घंटा 9 बजे में, यानी कि क्योंकि 9 बजे वो चला था, ठीक है, तो 9 बजे चला था, तो यहां से ये भी 9 बजे चला, यानी कि इसने तो 8 बजे से 9 बजे तक कितनी दूरी तय की, 30 किलोमीटर, तो इसके बाद तो 9 बजे के बाद ये चले, तो दोनों कब मिले, 10 बजे मिले, कब मिले बेटा, 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे मिलेंगे ये, बोलो समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद इन्होंने और क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है दूरी, क्या पूछी थी, दूरी पूछी थी बच्चों, क्या पूछी थी, दूरी पूछी थी, और दूरी किसकी पूछी थी, दोनों एक हाँ, पहले स्थान को चला, को चला दोनों कितने बजे और किस स्थान पर, कि पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब एक दूसरे से यानी कि हमें 10 बजे का तो पता लग गया, अब पहला व्यक्ति जो है, ठीक है, अब मिले कितने हैं, 10 बजे चले कितने थे बच्चा, पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति की बात की है, और किसी से हमें मतलब नहीं, वो 8 बजे चला, कितने बजे चला है, 8 बजे चला है, यानी कि डिफरेंस पहले व्यक्ति का कितना आ गया जी, 2 घंटे का, कितने का आ गया जी, 2 घंटे का, और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, और पहले की स्पीड कितनी थी, 30, टाइम कितना लिया जी, 2, तो कब मिलेंगे जी, कितनी दूरी पे मिले, 60 किलोमीटर पर मिलेंगे, कितने पर मिलेंगे जी, 60 किलोमीटर की दूरी पर 10 बजे वो आपस में मिलेंगे, ये इसका परफॉर्मेंस आंसर है। और वीडियो को शेयर करना है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो जरूर मुझे कमेंट करें। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया है, रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है, मतलब ठीक है, दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट के बाद गंतव्य यानी कि अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर पहुंचती है। यदि बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो पहली बस किस स्पीड से चलेगी, बहुत ही अच्छा सवाल, और इस क्वेश्चन को हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर में भी कर सकते हैं उस मेथड से भी, सोचिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में भी हमने कई बार मेथड यूज किया है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, सबसे पहले देखो बच्चा
टाइम को चेंज कर लो T1 को, जिसमें 6 घंटे और 40 मिनट दिए हैं, इसको हम टोटल मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, तो एक जैसे बन जाएंगे। तो 6 घंटे यानी कि 1 घंटे यानी कि कितने मिनट मिले, 60। तो 6 घंटे के ले लिए 60 और 40 ये हो गए, कितने हो गए जी, 360 जमा 40 कितने हो गए, 400। बोलो समझ आया कि नहीं आया, सही है जी। ऐसे दूसरे का टाइम भी देख लेते हैं, 3 × 60 = 45 क्लियर है, 6 × 18 = 180 = 45 = 225 मिनट। बोलो इतनी समझ आई दोनों मिनटों की। अब मैंने बेटा आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए कि दो बसेस की बात है तो दो का कंपैरिजन चल रहा है आपस में। अब एक की अगर आपके पास स्पीड दी है तो दूसरे की निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट की पहले की निकालनी है, मैं इसलिए फर्स्ट लिख रहा हूं, पहले की स्पीड ओवर दूसरे की स्पीड, जो कि इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, वो होगी दोनों के समय के स्क्वायर रूट के इक्वल। जो कि T1 और T2 के इक्वल होगी, स्क्वायर लगा दिया गलती से, स्क्वायर नहीं होगा बस T2/T1, ठीक है जी। स्पीड बताइए फर्स्ट है ना, और ये सेकंड की स्पीड कितनी थी, 60। इक्वल टू करवाया है कि नहीं करवाया इस टाइप का, T2 की वैल्यू कितनी है, 225, दूसरे की 415 का स्क्वायर, और ये 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया। फर्स्ट की स्पीड ओवर 60, बी एकम भी बी थी 60 और 15 थी 45। तो पहले की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 45। बताओ सवाल कैसा था, मजेदार था ना। ये ऐसे सवाल जो है ना पेपर में पूछे जाते हैं, और तब बच्चा अपने पूरे माइंड से जो है स्पीड एंड टाइम के सिर्फ बच्चे ट्रेन वाले ही क्वेश्चन करते रह जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ आते हैं। तो कभी ना छोड़े, बहुत ही इजी मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पे माइंड लगाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा, एक ही समय पर चलना शुरू की, उसने मिलने के बाद गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन पर दोनों क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे के बाद पहुंची, तो प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो दोनों चालें का अनुपात ही निकालना है, सिंपल। तो दोनों का निकालना है, तो ये एक ये दूसरी, तो 9/16, 3 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर, तो 3:4, ठीक है भैया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब यहां पर 4/3 लिया है, 3/4 लिया है, तो उसका क्या रीजन है, थोड़ा सा हमारा कहीं मिस्टेक हुई होगी, और कुछ नहीं है, हमने दूसरी का ऊपर लिख लिया और पहली का बाद में लिख लिया, और कुछ नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये दिमाग में रखना है आपने, और कुछ नहीं है, 16/9 कर लो, मतलब T2/T1 ऐसे करना था, ठीक है जी। तो आ गया आपका 4/3 4:3। आई होप कि आपको ये मजेदार क्वेश्चंस लगे होंगे और ये क्वेश्चंस आपको आए होंगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति जो है वो ए स्थान से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी स्थान से
ए स्थान को 15 की चाल से, तो औसत चाल ज्ञात करें, औसत चाल। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड आए कि एक यहां को जा रहा है, मतलब यहां को जा रहा है और यहां को जा रहा है, और इसकी भी चाल है, इसकी भी चाल है, और एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो याद रख लीजिएगा आपने सीधा ही 2s1s2/s1+s2 लगा देना, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तब लगाना है जब आपको एवरेज स्पीड कही होगी, क्योंकि एवरेज क्या होती है, सम होता है, ठीक है, और दोनों का चालों का है वही हम ले रहे हैं। दो चालें हैं, कौन कौन सी है बोलो, 2 × 12 × बोलो बोलो शाबाश 15 और 12+15। आई होप कि आपको मजेदार लग रहे होंगे क्वेश्चन। 12, 15 और कितना हो गया बेटा, 27, ठीक है, 3 × 1 = 12, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 4 × 8/3 यानी कि 3 × 2 = 6, ओहो 5 × 20 हो गए और 20 × 2 = 40 हो गए फिर तो, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ दिया था 5 को और कुछ नहीं, ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 20 और 2 = 40/3, कितने का हो जाएगा, 10 × 30 होते हैं, आगे बोलो 13 × 39 और 1 = 40, बिल्कुल ही मैच हो गया ये तो, है ना, बिल्कुल ही मैच हो गया बच्चों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रहेगा। ये हमने कब किए थे, वर्क एंड टाइम में, ये वाला मेथड, ठीक है।